एक बार फिर कोरोना में इलाज लापरवाही के कारण मरीज की मौत पर हंगामा खड़ा हो गया है। गुरुवार को वर्धमान नगर स्थित ओरा क्रिटिकल केयर अस्पताल में तांडा पेट निवासी अशोक काठीपाले नामक व्यक्ति की कोरोना वायरस के चलते इलाज के दौरान मौत हो गई है, जिस पर परिजन ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। मिली जानकारी के अनुसार दो दिन पूर्व तांडापेट निवासी अशोक काठीवाले उम्र 54 वर्ष व्यक्ति कोरोना के इलाज के लिए वर्धमान नगर स्थित ओरा क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। दो दिन तक अच्छे खासे देखने वाले व्यक्ति की मौत ने अस्पताल की लापरवाही उजागर कर दी है। परिवार वालों का आरोप है कि कल तक मरीज अच्छे से बात कर रहा था और ज्यादा तकलीफ भी नहीं थी, उसके बावजूद आज सिटी स्कैन करने के बाद अचानक मरीज की तबीयत बिगड़ी, जिस कारण मरीज की मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि हॉस्पिटल वाले सही तरीके से पेशेंट की देखभाल नहीं कर रहे थे, दो दिन तक कपड़े भी नहीं बदले गए थे, डॉक्टर मरीज का हालचाल देखने तक नहीं आए। समय पर डॉक्टर द्वारा इलाज नहीं करने के कारण पिता की मौत हो गई। परिवार के लोगों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। मृतक के परिवार वालों का कहना है कि 16,000 की दवाई एक दिन में दी, 40,000 रुपए जमा करने के बावजूद मरीज को नहीं बचा पाए, इसकी जांच होनी चाहिए। हंगामे की खबर पर पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामा करने वाले लोगों को पुलिस ने मामले की जांच का हवाला दिया। रहने वाले हैं टांडापेट जूनी बस्ती और गजानन साइकिल टांडापेट नागपुर घर के पास होता है। मंडे को इनको एडमिट करने के लिए लाया, एडमिट करने के बाद में पॉजिटिव रिपोर्ट हमको बताया, पॉजिटिव बताने के बाद में हमने एडमिट किया है। एडमिट करने के बाद में उससे सब कुछ है ना, बात वगैरह करना सब है ना, उसकी तबीयत वगैरह ऐसा कोई इफेक्ट नहीं था, तो भी हमने एडमिट किया कि कोरोना पॉजिटिव है। हम उस पेशेंट के पास हमको जाने नहीं दिए, ना घर के लोगों को दिए, ना बाहर के लोगों को दिए, ना दोज भाई को जाने दिए। फोन पर ही बात करते थे। आज सवेरे जो सिटी स्कैन के लिए लेके गए, उसके बाद में सिटी स्कैन निकालने के बाद में वो पेट भर खाना खाए, घर का डब्बा लेके गया, फोन पर बात करते गए, सब कुछ पूरा नॉर्मल था। हमको ऐसा महसूस नहीं लग रहा था कि ये इसका एक्सपायर्ड हो जाए, मगर क्या किए डॉक्टरों ने, क्या लापरवाही किए हॉस्पिटल में, क्या लापरवाही काम हो रहा है, इसके बारे में हमको पता। जैसे मैं उनसे पर्सनली मिल गया, उसके बाद उनका सब ठीक था, मैंने उनसे पर्सनली बात किया, उनसे अच्छे से बात किया, उन्होंने मेरे से बात की अच्छे से। उसके बाद में जब मैं घर पे आया रात को 3:30 बजे, ये ऐसा बोले उनके ऑक्सीजन लेवल एकदम कम हो गया, बोले उनको बाईपास दिया है, बोले गले में ट्यूब डाला है, बोले उनके बोले यहाँ से ट्यूब डाला हुआ है, बोले लंग्स में, बोले उनका लंग्स 100% डैमेज हो चुका है, बोले। फिर मॉर्निंग में ऐसा बोले कि अभी उनका थोड़ा सा ठीक है, बोले। फिर अभी थोड़ी देर पहले बोले 12:30 बजे उनका हार्ट रेट एकदम कम हो गया, बोले उनको इंजेक्शन दिए, बोले एक, बोले तो हार्ट रेट बढ़ा है, बोले, और कब तक बढ़ेगा बोले पता नहीं, बोले। बात अभी आधे एक घंटे पहले उन्होंने ये बोला, ये डिक्लेयर कर दे कि इनकी डेथ हो चुकी है करके, और ये तो हो गया। उसके बाद पेशेंट को ट्रीट कैसे कर रहे यहाँ के वार्ड बॉय, उनको अगर कुछ हो गया है, पेशेंट बेड से नीचे गिर रहा है, ट्रीटमेंट नहीं कर रहे उनको, जब बोलने बोल रहे हैं हम कि उनके कपड़े चेंज करो, कपड़े चेंज नहीं करके दे रहे, दो दो दिन तक के उनके कपड़े, हमने मंडे को उनको कपड़े दिए, कल उनके कपड़े जाके चेंज हुआ, उनका एक शर्ट चेंज करने के लिए उनको इतना ये हो रहा है। मेडिसिन 16,000 की मेडिसिन दे रहे, क्या दे रहे मेडिसिन, एक बिल हमको बता नहीं रहे डॉक्टर वाले, मतलब फेस कर रहे क्या कर रहे, मतलब पेशेंट के रिलेटिव को तो बताओ कि क्या दे रहे हो तुम, पेशेंट के रिलेटिव को कोई आइडिया नहीं है। 27,000 की मेडिसिन दे रहे हैं, क्या दे रहे हो क्या नहीं कुछ बता नहीं रहे, सब कुछ हो रहा है, पर मतलब अभी जब मतलब पता चला उसके बाद उन्होंने मेडिसिन रिटर्न किया, वो भी हमने बोलने के बाद, हम जब मतलब हम बोल रहे होंगे कि हम बाहर से मेडिसिन लाते हैं, गरीब इंसान कहाँ से लेंगे इतनी मेडिसिन। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।